भारतीय एथलीट्स के लिए टोक्यो ओलंपिक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीराबाई चानू के वेटलिफ्टिंग में रजत पदक के बाद से देश को कोई अन्य मेडल नहीं मिला है और खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। भारतीय टेनिस टीम का टोक्यो ओलंपिक में अभियान औपचारिक रूप से खत्म हो गया है, क्योंकि सानिया मिर्जा और सुमित नागल 153 की खराब संयुक्त रैंकिंग के कारण मिश्रित युगल स्पर्धा में जगह नहीं बना पाए। मिश्रित स्पर्धा के लिए प्रविष्टियों को मंगलवार सुबह अंतिम रूप दिया गया और इसके लिए कट 50 से 60 के बीच रहने की उम्मीद थी। भारतीय जोड़ी के पास ऐसे में स्पर्धा में जगह बनाने का कोई मौका नहीं मिला। मिश्रित युगल में सिर्फ 16 जोड़ियां खेलती हैं और सिर्फ 2 मैच जीतने के बाद टीम को पदक दौड़ में जगह मिल जाती है। बात करें इन दोनों खिलाड़ियों की अन्य स्पर्धाओं की, तो नागल को पुरुष एकल के दूसरे दौर में दानिल मेदवेदेव के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जबकि सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की महिला युगल जोड़ी पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गई थी। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी महिला डबल्स से बाहर हो गई थी। पहले राउंड में भारतीय जोड़ी को यूक्रेन के जुड़वा बहनों के हाथों 6-0, 6-7, 8-10 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एक समय भारतीय जोड़ी के पास इस मैच को जीतने का सुनहरा मौका था और वो दूसरे सेट में एक समय 5-2 से आगे बढ़ी थी। गौरतलब है कि सानिया ने विशेष रैंकिंग के आधार पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। WTA के नियमानुसार जब कोई खिलाड़ी चोट या बच्चे के जन्म के लिए 6 महीने से ज्यादा समय की छुट्टी लेता है तो वे एक विशेष रैंकिंग के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एक खिलाड़ी की विशेष रैंकिंग उनके अंतिम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद की विश्व रैंकिंग होती है। सानिया के मामले में ये अक्टूबर 2017 में खेला गया चाइना ओपन था।